2023 का जो आयोजन किया गया उनके अध्यक्ष इदूल साहब उनका अभिनंदन, जो इतने सफल आयोजन इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, उनके सहयोगी सचिव श्री बालक महतो जी और मंच पर आसीन अतिथि के रूप में बारीकी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य और सम्मानित अतिथि अंजीत कुमार महतो जी, हम सबों के गार्जियन स्वरूप यहाँ पर उपस्थित अनवर साहब, इस मैच में बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं शफीक साहब, प्रफुल चौधरी जी, चारू पंचायत के पूर्व मुखिया नीलमोहन वाहन जी, पत्रकार कौशिक भाई, अकबर भाई और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए जो इस तरह के जो आयोजन में सभी लोग युवा लोग शामिल हैं, जो सहयोग कर रहे हैं उन सभी लोगों का और बीच मैदान में जो रेफरी महोदय हैं उनका भी, सभी लोगों का सहयोग, सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस सफल आयोजन के लिए। ज्यादा ना कुछ कहते हुए, चूंकि मैच की निगाहें इस पर है, मैं कहता हूँ कि इस तरह का खेल देखकर बहुत खुशी का अनुभव होता है और हम लोग जब खेलते थे और इस खेल को देखकर खुशी होता है तो उसी राजेश खन्ना का शायर याद आता है कि आज जहाँ मैं हूँ कल कोई और था, यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था। तो आनंदीय था कि हम जब वहां रहते थे और मंच में लोग रहते थे, आज मैं यहाँ हूँ और लोग खेलते हुए देख रहा है तो बहुत खुशी होता है, बहुत आनंदीय महसूस हो रहा है। और इस बढ़ चढ़ के जो टूर्नामेंट के आयोजन कर्तागण है, मैं कोशिश करूंगा इस पर और भरपूर सहयोग करूँ, जो अपेक्षा होंगी उसको मैं अपने ओर से जो पूरा कर सकता हूँ उसको करने का कोशिश करूंगा। और युवा साथियों को तो मैं इतना ही कहूंगा कि या ये खामोश जिंदगी जीने नहीं देगी, जीना है तो कोहराम मचाना सीखो और कोहराम के तरीके से खेलो। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि वक्त का फरमान अभी बाकी है, इस खेल का अंजाम का ऐलान अभी बाकी है, वक्त का फरमान अभी बाकी है, इस खेल का अंजाम का ऐलान अभी बाकी है, अभी इतना उदास ना हो दोस्तों, इस खेल का पूरा परिणाम बाकी है। इसलिए जोरदार तालियों के साथ ये पहला गोल होता हुआ बहुत भावुकता के साथ आनंदीय रूप से आपको देखा हाल हम देख रहे हैं और पेनाल्टी शूट में पहला गोल होता हुआ का अभिनंदन और आप सभी आयोजनकर्ताओं का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ये सम्मान बख्शने के लिए। और आप सबों से, ईश्वर से, अल्लाह से ये हम दुआ करते हैं कि आप सभी प्रतिभावान बने, खेल में सभी लोग आगे बढ़े और इस तरह का हमेशा आप आयोजन करते रहे। पुनः आप सबों को शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रभु जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सामने आने का कष्ट करें। निर्णायक मंडली के सभी जी, सभी जी से आग्रह है कि आप मंच की ओर आने का प्रयास करें, कष्ट करें। और अभी अभी सद्भावना चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल मैच सिकिंदरी के सम्मानित अध्यक्ष सहसात पंचायत के पूर्व मुखिया बड़े भाई राजेश पहान जी का आगमन हो चुका, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ ये संदेश सही से भिखारी का पूरा झारखंड प्रदेश में फैलाने वाले इसे पत्रकार दैनिक जागरण के खुर्शीद आलम जी, मंच में मंचासीन सिकिंदरी थाना के एसआई सुरेश कुमार ठाकुर जी, सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और पलंटी शूटआउट का मैच चलता हुआ और इस मैच के तुरंत बाद
SYC टोनको के खिलाड़ी मैदान में दिखते हुए नजर आ रहे हैं और मैदान से बाहर व्हाइट रंग के जर्सी में फुटबॉल क्लब कुकर और टोनको के बीच इस मैच के तुरंत बाद चौथा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होना है। मंच में मंचासीन है, सभी अतिथि गणों का अभिनंदन स्वागत सहित से भिखारी चैंपियंस फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन कमेटी सहित दिल से सभी का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और इस प्रकार KPL